यह हार्मोन अस्थियों की या हड्डियों की वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। ये सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन चूंकि जीवों के शरीर में हड्डियों की लंबाई को बढ़ाता है, इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन कहा गया है। अगर इस हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होता है तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति पिट्यूटरी पिट्यूटरी जायंट या दैत्याकार हो जाता है। अगर सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का ज्यादा स्राव होता है अर्थात हाइपर सिक्रीशन होता है तो व्यक्ति पिट्यूटरी जायंट हो जाता है अर्थात उसके हाथ पैर लंबे हो जाते हैं और गालों के नीचे की हड्डियां उभरी हुई हो जाती हैं और वह दैत्याकार शरीर के समान दिखाई देता है। इसकी इस बीमारी को एक्रोमेगाली कहा जाता है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से व्यक्ति पिट्यूटरी जायंट होता है और यह बीमारी एक्रोमेगाली कहलाती है और कभी कभी व्यक्ति के पीठ पर ऊबड़ निकल आता है और इसे काइफोसिस कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के पीठ पर ऊबड़ निकल आता है। इस तरह सोमेटोट्रॉपिक के हाइपर सिक्रीशन से ये दो बीमारियां हो रही हैं और अगर इसकी मात्रा कम होती है अर्थात हाइपोसिक्रीशन होता है तो व्यक्ति बोना या मिगेट हो जाता है। कम सिक्रीशन से व्यक्ति बोना या मिगेट हो जाता है। इस तरह हमने सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के कार्य पढ़े। अब हम देखेंगे दूसरा हार्मोन गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। यह भी पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो अब हमको देखना है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन क्या कार्य करता है। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन को दो भागों में बांटा गया है। पहला फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का पहला प्रकार है फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस तरह गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो कि गोनड्स को हार्मोन बनने को प्रेरित करता है, इसके दो प्रकार हैं फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम देखें फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन क्या कार्य करता है। तो यह मेल और फीमेल की बॉडी में अलग अलग कार्य करता है। फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन मेल की बॉडी में टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन बनने प्रेरित करता है। फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन मेल या नर की बॉडी में टेस्टिस या वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने प्रेरित करता है और फीमेल एक मिनट फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन यह मेल की बॉडी में ओव्यूल या अंडाणु को बनने प्रेरित करता है। इसी तरह से गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का दूसरा हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह मेल और फीमेल की बॉडी में अलग अलग हार्मोन को बनने प्रेरित करता है।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने प्रेरित करता है और फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन बनने प्रेरित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा हार्मोन गोनेडोट्रॉपिक, जो कि पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रूप में है, और यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में स्पर्म बनने और फीमेल में अंडाणु बनने प्रेरित कर रहा है। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने प्रेरित करता है। इन हार्मोन के प्रभाव से मेल और फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपिंड से ही स्रावित हो रहा है, नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। जैसा कि इसका नाम है उसी तरह से इसका कार्य है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनने प्रेरित करता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो थायराइड ग्रंथि अच्छे से कार्य करेगी या ज्यादा कार्य करने लगेगी, और कमी हो जाए तो कम कार्य करेगी। अगला हार्मोन है एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम ACTH के नाम से जानते हैं। एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन यह एड्रीनल ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्रंथि के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड का काम है अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखना। तो ACTH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हो रहा है, ये जाकर एड्रीनल ग्रंथि को उसके कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर ये ज़्यादा स्राव होगा स्रावित होगा तो एड्रीनल ग्रंथि ज़्यादा तेजी से कार्य करेगी, और कम स्रावित होगा तो कम तेजी से काम करेगी। इसी तरह से अगला हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो कि गर्भवती स्त्रियों में मिल्क प्रोडक्शन को प्रेरित करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो कि गर्भवती स्त्रियों में मिल्क प्रोडक्शन को नियंत्रित करता है, और इसकी अधिकता और कमी से मिल्क प्रोडक्शन की मात्रा अधिक या कम होती है। अगला है डायबेटोजेनिक हार्मोन, ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन का काम है कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय यानी चय और अपचय की क्रिया को नियंत्रित करना। इसके अलावा ये वसा और प्रोटीन का उपापचय भी नियंत्रित करता है, वसा और प्रोटीन का उपापचय। इस तरह से डायबेटोजेनिक हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है, इसके अलावा वसा और प्रोटीन के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। अगला हार्मोन है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या MSH हार्मोन है, ये हार्मोन कई जीवों में तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य भाग से स्रावित होता है, पर मनुष्य में यह पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से ही स्रावित हो जाता है। इस हार्मोन का कशेरुकियों और पक्षियों में तो वर्णक निर्माण का काम करता है। ये जो MSH हार्मोन है यह कई कशेरुकियों और पक्षियों में वर्णक या
पिगमेंट को निर्मित करता है, जबकि मनुष्य के शरीर में यह केवल तिल और चकतों के बनने को प्रेरित करता है, केवल तिल और चकतों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो इस तरह से हमने पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड के अग्रपिंड या एंटीरियर लोब के 7 हार्मोनों के नाम और उनके कार्य पड़े। अब हमको देखना है पिट्यूटरी ग्रंथि की मध्य लोब या इंटरमीडिएट लोब। पिट्यूटरी ग्रंथि का मध्य पिंड या इंटरमीडिएट लोब, तो जैसा मैंने अभी कहा कि मनुष्य की पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंड से कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता, क्योंकि इसका हार्मोन अग्रपिंड से ही स्रावित हो गया है, जिसका नाम आपने देखा था मिलेनोसाइट स्टीमुलेटिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के तीसरा भाग, जिसको हम पश्च पिंड या पोस्टीरियर लोब या पास नर्वोसा कहते हैं, इस भाग से भी 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। हम देखेंगे कि इस पश्च पिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो पश्च पिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, ये पोस्टीरियर ग्लैंड के पश्च पिंड से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन हैं। पहला हार्मोन है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से 2 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अब हम इनके कार्य देखते हैं। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन, यह हार्मोन जो यूरिन में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन इसका कार्य है यूरिन या मूत्र में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिन में जल की मात्रा का नियंत्रण, और इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो कि यूरिन में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यह नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिकाओं और संग्रह नलिकाओं से जल का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। फिर से देखेंगे, वेसोप्रेसिन हार्मोन किडनी के नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं और संग्रह नलिकाओं से जल का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। और यूरिन को गाढ़ा कर देता है, इसलिए वेसोप्रेसिन हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए तो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, और अगर वेसोप्रेसिन की मात्रा कम हो जाए तो यूरिन पतला हो जाए। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता होने से अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो मूत्र